लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से आहत है और इन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि मैं रामराज यादव पिता, और देखिए इनके आंखों में आंसू भी है। रामधर्म यादव तकरीबन लंबे समय तक पार्टी में यह काम कर चुके हैं, जाहिर सी बात है। राजद के नेता और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव जी के द्वारा 22/4/2022 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इनके साथ अव्यवहार किया गया। ये आंसू तेजस्वी यादव से सवाल पूछेंगे कि आखिर युवा की पार्टी की बात करते हैं, सच्चे मन से इस पार्टी को सेवा कर रहे थे और सेवा का ये है, ये मिलता है लात जूता माँ बहन का गाली, और उन्हीं का नाम लेकर वो बोले कि उसका पार्टी में तुमको नहीं रहना है। जो शब्द का उपयोग किए वो शब्द हम नहीं बोल सकते कैमरा पे। पूछा ना कि किसकी पार्टी में रहना है, वो बोले छात्र जनशक्ति परिषद के तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बताइए कि क्या कौन सा छात्र जनशक्ति का है, क्या हम छात्र हैं, हम युवा का नेता है, युवा के पदाधिकारी है, हम कोई यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है जो उनके पार्टी में, क्यों हम जाएंगे उनके पार्टी में, हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। जगदा बाबू को नाम लेकर जो हमको पीटा गया वो मैं कैसे आपको बयां करूं, जिस समय मारपीट की घटना घटी तेजस्वी वहाँ मौजूद थे, आपने शिकायत की? नहीं, उस समय मौजूद नहीं थे। बाहर निकल के आपने शिकायत की? तेजस्वी, मैंने बाहर निकल के सबसे पहले जगदा बाबू को फोन किया और मैं अपने घर पे चला गया। अगर मैं नहीं जाता तो मेरे साथ और भी कुछ हो सकता था, हमारी जान को भी। ये पूरी वारदात कब हुई? ये 3:18 10 सर्कुलर रोड रूम पर हुई। मतलब तमाम जो बड़े नेता आने वाले थे उसके पहले? हाँ, उसके पहले। तेजस्वी उस वक्त मौजूद नहीं थे? नहीं, उस समय मौजूद नहीं थे। किसके कमरे में बंद करके मारा? कमरे वहाँ कमरे हैं बाहर में, 10 सर्कुलर आवास के बाहर। हम क्या जानेंगे किसका कमरा है? 10 सर्कुलर आवास के अंदर आपको मारा जाता है, और तेजस्वी जिस जगह पर रहते हैं तेज प्रताप वहाँ घुस के आपके साथ मारपीट करते हैं। जाहिर सी बात है कि आपका कहना है कि आपने तेजस्वी के लिए मार खाया है, और उन्हीं का नाम लेकर वो बोले कि उसका पार्टी में तुमको नहीं रहना है। जो शब्द का उपयोग किए वो शब्द हम नहीं बोल सकते कैमरा पे। पूछा ना कि किसकी पार्टी में रहना है, वो बोले छात्र जनशक्ति परिषद के तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बताइए कि क्या कौन सा छात्र जनशक्ति का है, क्या हम छात्र हैं, हम युवा का नेता है, युवा के पदाधिकारी है, हम कोई यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है जो हम उनके पार्टी में, क्यों हम जाएंगे उनके पार्टी में, हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, अथा उसमें मैं राजनीति कर रहा था। लेकिन आरोप लगा 15 मिनट में कितना गाली बात बका गया? कोई वजह होगी वहाँ? छोटी ही बात में मारा, मैं रामराज नहीं हूँ। मारने से पहले किसी को मारते तो वीडियो बनाते और पहले का वीडियो अगला को दिखाते कि देखो हम उसके साथ ऐसे किए हैं। मतलब अमूमन ऐसे करते हैं? ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ, लोगों को वीडियो दिखाया गया। मतलब आपको मारा गया और आपके वीडियो बनाया गया? जी 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 बिल्कुल। उनको कानून से डर नहीं लगता? अब पता नहीं, अब वो उनको लगता है कि नहीं लगता है, हमको कानून पर हमको भरोसा है। गाली भी बका गया था? गाली का तो कोई सीमा ही नहीं था। 18 मिनट में 500 माह का गाली दिया गया है। एफआईआर करेंगे इनके खिलाफ? वो हम देखते हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखेंगे इस्तीफा है वो साफ दिख रहा है, देखिए किस तरीके से आहत है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से आहत है और इन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि मैं रामराज यादव पिता, और देखिए इनके आंखों में आंसू भी है। रामधर्म यादव तकरीबन लंबे समय तक पार्टी में यह काम कर चुके हैं, जाहिर सी बात है। राजद के नेता और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव जी के द्वारा 22/4/2022 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इनके साथ अव्यवहार किया गया। ये आंसू तेजस्वी यादव से सवाल पूछेंगे कि आखिर युवा की पार्टी की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल ये रामराज के आंखों के आंसू। रामराज उम्मीद क्या है, आखिरी बार तेजस्वी से कोई उम्मीद तो रखे होंगे कि आपके आंसुओं का इंसाफ मिले? उम्मीद यही हमारी थी कि जिस जो वो घटना किए हैं उस घटना को देखते हुए उनको मैंने बताया था, किन्हीं के माध्यम से मुझे विश्वास था कि तेज प्रताप जी को पार्टी से निष्कासित किया। आज ये नया मेरे साथ नहीं है, हमसे बड़े बड़े नेता लोग के साथ ये घटना हुआ है, मगर सब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंने क्या पाया है, लोगों ने कोई एमपी बनाया, कोई एमएलए बनाया, कोई एमएलसी बना, वो बर्दाश्त करेगा, हमने कुछ नहीं पाया है। हम सच्चे मन से इस पार्टी को सेवा कर रहे थे और सेवा का ये है, ये मिलता है लात जूता माँ बहन का गाली, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल इफ्तार पार्टी के 3:18 में मेरे साथ ये काम, और मेरे पास सबूत भी है, उसका सबूत भी मैं दूंगा। तेजस्वी यादव जब वहाँ इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वगैरह पहुंचे तो उस वक्त आप? मैं निकल चुका था उस समय, मेरे पीछे 5 लड़के लगाया गया था, अगर रुक जाता तो मेरा हत्या भी हो सकता था वहाँ। मतलब तेज प्रताप जब वहाँ रहते हैं उससे पहले हुआ मेरे साथ। आपको इस बात की सूचना है कि अनिल सम्राट को मारा गया? बाद में मालूम चला, आप ही लोग के माध्यम से क्या क्या चला, टीवी यही सब माध्यम से उनको मालूम चला। तो आपने पता करने की कोशिश की कि किसने मारा? वो भी सोशल मीडिया पे चला कि तेज प्रताप ने? मैं इतना आहत था कि 3 दिन तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ, और कोना में जा के भोकार पड़ के रोता था अकेले, और अपने आप से मैं पूछता था कि हमने क्या गुनाह किया था, बताओ रामा तुमने क्या गुनाह किया था।
ये देखिए, पटना महानगर युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। जब पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरीके से अपने पद को छोड़ते हुए इस्तीफा देता है, और वो भी उनके लिए जिनका वो झंडा उठाता है, तो एक बड़ा सवाल है। मैं पार्टी को पहले जाके इस्तीफा देता हूँ, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं बहुत अंदर से सहमा धरा हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी हमारी जान की सुरक्षा कीजिए। गरीब का बेटा है, पिछड़ा का बेटा है, उसका आज भोगिया हम भोग रहे हैं। हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। किसी तरह का एक तेज प्रताप जिससे मेरा ऐसा कुछ भी ऐसा पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, न रहा है। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि इस पार्टी में तुम नहीं रहेगा, गोली मरवा देंगे। आखिर पटना जिला के ही लोगों पर ऐसा क्यों होता है बार बार, मैं पूछना चाहता हूँ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।